ओम प्रकाश जी के चुनाव में 47 से हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई थी, हमारे गांव में बकरी और सबको मार करके भागा था लोग। विक्रम कुंवर को याद है कि नहीं, वो दिन 3000 वोट में सिमटा दिए थे, फिर हम लोगों ने सपोर्ट किया तो विधायक बने थे, वो दिन भूल गए विक्रम कुंवर। नीतीश कुमार जी ने गरीबी दूर करने के लिए कार्य किया है, गरीबी कैसे दूर होगी उसके लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है। गरीबी दूर का टिप्स जो नीतीश कुमार जी के पास है, हमको नहीं लग रहा दुनिया में किसी नेता के पास है। और गरीबों को उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी ने जड़ से काम करना शुरू किया है, पहले शिक्षा देना, उसके बाद नौकरी देना, आरक्षण नौकरी में देना, सरकारी पदों पर आरक्षण देना और शिक्षा को फ्री कर देना। फ्री शिक्षा मतलब समझ रहे हैं, सारे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनुदान दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है और दलित महादलितों के लिए स्पेशल दिया जा रहा है। दलित महादलित के लिए ऐसा है कि जो बीपीएससी पास करेगा उसके खाली पीटी निकालेगा तो 50,000, यूपीएससी का पीटी निकालेगा तो 1,00,000 उसके सीधे खाते में दिया जाएगा। इस तरह का आज तक कोई सोचा नहीं था जो दलितों के लिए, महादलितों के लिए, पिछड़ों के लिए ऐसा कोई करेगा। उसी का प्रतिफल है कि आज दलित और महादलित सभी लोग एकजुट होकर के नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी के और रामविलास पासवान जी के साथ खड़े हैं। और यहाँ आने के बाद तो मेरा हिम्मत और बढ़ गया है कि आज दलित परिवार और दलित समाज के लोग जैसे एकजुट होकर के आश्वासन दिया है कि हम लोग सभी लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। और लोग कह रहा था कि हम लोग तो बराबर नीतीश कुमार जी को वोट करते हैं और इस बार भी नीतीश कुमार जी को वोट करेंगे। ये दलितों और महादलितों का आत्मविश्वास जगा और दिखने को मिला है। और नीतीश कुमार जी ऐसे ही बिहार के लीडर नहीं है, या नीतीश कुमार जी जहाँ रहते हैं वहाँ सरकार बनता है रहता है। इन्हीं लोगों की ताकत पर, दलित और महादलित और पिछड़ों अति पिछड़ों की ताकत पर नीतीश कुमार जी जमे रहते हैं और आज वो देखने को मिला है। ऐसे समय में तेजस्वी यादव शिवान नाकर कहते हैं कि नीतीश कुमार ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ठगा नहीं, क्या मानते हैं? हमें नीतीश कुमार जी किसको ठगे हैं कोई बता देगा, कोई बता। विक्रम कुंवर जी, मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कोई उपाय नहीं छोड़ा अजय सिंह को मारने का, ईश्वर का शुक्र है। और जनता जनार्दन हमारी है, जनता हमारी भगवान है और जनता रूपी भगवान के दुआ और आशीर्वाद से मैं बचा हूँ। और शहाबुद्दीन और विक्रम कुंवर कोई कला कुशलता नहीं छोड़ी है हमको मरवा देने के लिए, बचाने की तो बात छोड़ ही दीजिए, मार देने के लिए कोई उपाय नहीं छोड़ा उन्होंने। जय जय को कैसे मिटा दूं, 2004 के ओम प्रकाश जी के चुनाव याद किया जाए, ओम प्रकाश जी के चुनाव में 47 से हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई थी, हमारे गांव में बकरी और सबको मार करके भागा था लोग। और यह वो दिन लोग भूला थोड़े है जब विक्रम कुंवर, क्या बोलेंगे, विक्रम कुंवर को याद है कि नहीं, वो दिन 3000 वोट में सिमटा दिए थे, रघुनाथपुर की जनता 3000 वोट दी थी उनको, उनका वही औकात है। और फिर हम लोगों ने सपोर्ट किया तो विधायक बने थे, वो दिन भूल गए विक्रम कुंवर। विक्रम कुंवर को वो दिन याद रखना चाहिए। और जनता में क्या बोलिएगा, आपका कहीं कोई सुनता है जी? बोलते ना रहिए, एमपी के चुनाव में बोले ना, सभी लोग तो मिल करके बोल रहे थे, कोई सुना आपका? कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। जब राज मिला था तो मलाई मार रहे थे और राज गया तो अब आलाप, विधवा आलाप कर रहे हैं। विधवा आलाप करने से कुछ होने वाला नहीं है। उनके एक पार्टी के एक शैलेंद्र यादव नेता हैं और वो उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए, क्या लगता है इस तरह से? शैलेंद्र जी सही मोर्चा खोला है, शैलेंद्र जी को टिकट मिलना चाहिए। अगर कोई हकदार था आरजेडी का टिकट का तो शैलेंद्र जी थे। जो मेहनत करे वो जो रोड पर रहे, घर वाला बरतर और बर वाला घर तर आएगा। लालू जी के लिए शैलेंद्र जी ने क्या नहीं किया, नीतीश ये जो एमपी का चुनाव था शैलेंद्र जी ने कितना मेहनत किया था और कौन ठगा शैलेंद्र जी? हमारे यहाँ कोई ठगा है क्या? हमने मदद किया एमपी के चुनाव में और एमपी का चुनाव निकलवाया तो हमको तो नीतीश जी ने टिकट दे दिया। और शैलेंद्र जी ने तो पूरा मेहनत करके शहाबुद्दीन के परिवार को जिताने का प्रयास किया, वोट भी दिलवाया। आज तक इतिहास है कि 50,000 कभी वोट नहीं मिला दरौंदा विधानसभा में आरजेडी को, शैलेंद्र जी के मेहनत से उतना वोट मिला था और शैलेंद्र जी को लोग टिकट नहीं दिया। शैलेंद्र जी लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ ठगी की गई है।
वह गलत नहीं कर रहा है। अंत में हम जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? जनता को मैसेज देंगे जो विकास कर रहा है उसका, जो काम कर रहा है, विकास कर रहा है, शांति अमन चैन दे रहा है, उसके साथ खड़े होइए और बवालियों के साथ मत जाइए। जिसको आपने 15 साल देखा है और उन लोगों की शासन काल आप लोगों ने 15 साल देखा है, क्या क्या कर रहे थे ये लोग, कहाँ थे विकास इनका? आप लोग 2005 के विकास देखे हैं? 2005 के पहले क्या विकास था और 2005 के बाद कैसा सिवान है, कैसा बिहार है, कैसा दरौंदा है, आप लोगों ने देखा है? आकलन कर लीजिएगा 2005 के पहले कितना 15 साल में विकास हुआ था और 2005 के बाद कितना विकास हुआ है। वही विकास देख करके वोट कर दीजिएगा, वो हमारे पक्ष में आ जाएगा।